19 मई को गोरखपुर में होने वाले सातवें व अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलें और अपने मत का अधिकार प्रयोग करें, जिसके लिए गोरखपुर न्यूज मतदाताओं को जागरूक करने के साथ नागरिकों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक वोट करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत किया है। हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे, इस बार के स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कैंपेन की शुरुआत किया गया। गोरखपुर न्यूज और स्वीप के इस कार्यक्रम में आज शहर के डॉक्टर और गणमान्य लोगों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से अधिक वोट करने की अपील किया। मैं सुधा मोदी सभी नगरवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि 19 तारीख को सभी लोग अपने घर से निकलें और अपने मतदान का जरूर दें, क्योंकि ये हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है, विश्व में एक नया मुकाम कायम करती है। आप लोग जरूर करें, जरूर बाहर निकलें, क्योंकि ये एक उत्सव है और इस उत्सव को हम पूरी तरह मनाएं। धन्यवाद। रजनीकांत शुक्ला सभी नगर निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि 19 मई को अवश्य मतदान करें, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है और एक अच्छे राष्ट्र नेता को चुने। धन्यवाद। शालिनी अनुराग, पहले मतदान फिर जलपान। जी हाँ, हम ये शपथ लेते हैं कि हम पहले मतदान करेंगे, अपने देश के प्रति हम जागरूक हैं और हमारे जैसे जागरूक नागरिक होंगे तभी हमारा देश सुदृढ़ होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ सुबह अपने घर से ज़रूर निकलिए, वोट दीजिए, उसके बाद ही जलपान कीजिए। आइए हम सब ये शपथ लेते हैं। दुर्गेश सिंह, 19 मई को हमारे लोकतंत्र का महापर्व है, उस दिन जिसको भी संविधान में विश्वास है उसको वोट जरूर करना चाहिए। डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल, मित्तल आई हॉस्पिटल। मेरी सभी गोरखपुर वासियों से अपील है कि 19 मई को बाहर निकलें और अपने वोट का सर्वोत्तम प्रयोग करें। डॉक्टर पूनम सिंह, भारत में 19 तारीख को गोरखपुर में एक महान उत्सव, महान पर्व है, आइए हम सभी लोग मतदान करें और जिससे हमारा भारत जो राष्ट्र है वो सशक्त बनेगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विश्व पटल पे भारत का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर नेहा, वोटर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड इंडियंस टू काइंडली वोट ऑन 19th मई 2019।